Hello, a very good morning to all of you. Hello, BA Part 1. Finally, we are here. हिंदी मीडियम वाले बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती है इंग्लिश के मैटर से और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी थोड़ा एक बार समझाने की ज़रूरत है बिकॉज ये आपकी फर्स्ट एक तरीके से क्लास है एजुकेशन में. कई बच्चे साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं और कुछ साइंस जो आर्ट्स बैकग्राउंड के भी हैं उनके लिए भी एक ज़रूरी है कि एक बार आपको समझा दिया जाए, है ना. तो जो कि हम लोग क्लास में नहीं मिल पा रहे हैं तो ये मोड मैंने चुना आपको समझाने का. आई होप कि ये काम करेगा. देखिए, मैं आपको मैटर दे चुकी हूँ मीनिंग नेचर एंड स्कोप ऑफ एजुकेशन पर, है ना. ये हमारी फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है, है ना. और होना भी चाहिए कि हम शिक्षा शुरू करने जा रहे हैं, शिक्षा एज अ विषय, एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन, तो हमको पता होना चाहिए कि ये क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी प्रकृति क्या है और इसका विषय क्षेत्र क्या है, है ना. तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है ना. तो शिक्षा शब्द की तो शिक्ष धातु से हुई, एजुकेशन की कहाँ से हुई है, तो एटाइमोलॉजिकली मतलब शाब्दिक रूप से जो वर्ड एजुकेशन है वो डिराइव किया गया है लैटिन शब्दों से, है ना. एजुकेयर, एजुसियर और एजुकेटम. तो जो एजुकेयर है लैटिन भाषा का शब्द, उसका मतलब होता है टू ब्रिंग अप और टू नरिश, मतलब बाहर निकालना या पोषण देना. जो एजुसियर है उसका मतलब भी मोर और लेस क्या है, ब्रिंग आउट, व्हाट इज विद इन ब्रिंग आउट पोटेंशियल, जो हमारे अंदर निहित है उसको बाहर निकालना और हमारे पोटेंशियल यानी जो हमारी खूबी है उसको बाहर निकालना. फिर है एजुकेटम विच मीन्स एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग, या एजुकेटम शब्द से भी लिया गया हो सकता है जिसका अर्थ होता है शिक्षण की प्रक्रिया या प्रशिक्षण की प्रक्रिया, यानी कि शिक्षण या प्रशिक्षण की प्रक्रिया जो कि लैटिन भाषा में जिसके लिए शब्द एजुकेटम इस्तेमाल किया जाता है उससे हमारे एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है. अच्छा, ये तो हो गई शब्द की बात. अब हम बात करते हैं कि इसका संप्रत्यय क्या है, अर्थ क्या है एजुकेशन का. तो इसको हमें दो तरीके से, दो विशद, दो वृहद क्षेत्रों से, दो वृहद एंगल से हम इसको देखेंगे कि वेस्टर्न फिलोसोफर जो पश्चिमी दार्शनिक है वो कैसे इसको डिफाइन करते हैं, जो इंडियन फिलोसोफर या इंडियन एजुकेशनिस्ट है वो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है. तो देखिए, अगर हम बात करें कि कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन इज डिफाइंड बाय वेस्टर्न फिलोसोफर्स, तो ये क्या कहते हैं, शुरुआत देखिए कितना पुराना है ये विषय, कितनी पुरानी है ये सोच. प्लेटो कितने हजार साल पहले की बात है. प्लेटो साहब एजुकेशन को कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि एजुकेशन इज द कैपेसिटी टू फील प्लेजर एंड पेन एट द राइट मोमेंट, यानी कि शिक्षा वह क्षमता है जिससे कि आप मतलब शिष्य, स्टूडेंट, विद्यार्थी, कोई भी सीखने वाला वो सही क्षण पर, राइट मोमेंट पर प्लेजर और पेन को महसूस कर सके, यानी कि सुख और दुख को हम सही क्षण पर सही तरीके से महसूस कर सकें, वो क्षमता एजुकेशन है. और क्या है, इट डेवलप्स इन द बॉडी एंड इन द सोल ऑफ द पीपल ऑल द ब्यूटी एंड ऑल द परफेक्शन विच ही इज केपेबल ऑफ. यह यानी कौन, शिक्षा मनुष्य में मतलब शिष्य में या विद्यार्थी में या जो भी इसको ग्रहण कर रहा है उसकी बॉडी और सोल यानी उसके शरीर और आत्मा में जितना भी परफेक्शन निहित है, जितनी भी परफेक्शन की वो क्षमता रखता है, जितनी भी खूबसूरती सुंदरता निहित है वो सब निकल कर आनी चाहिए शिक्षा के द्वारा, ठीक. फिर एरिस्टोटल क्या कह रहे हैं, एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ ए साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, यानी कि शिक्षा जो है वो एक साउंड का मतलब या हेल्दी से है ना, कि कहते हैं ना स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, वही चीज है. वो कह रहे हैं सॉरी कि जो शिक्षा है वो क्या करना चाहिए उसको, कि एक हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड का विकास करना चाहिए, या हम कह सकते हैं कि निर्माण करती है किसका, एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मनुष्य का, स्वस्थ मन का निर्माण करती है, वो कौन है, शिक्षा, ठीक. किसी भी तरह से आप इसको समझिए. फिर पेस्टोलॉजी, ये भी एक बहुत बड़े पश्चिमी विचारक रहे हैं, शिक्षा के शिक्षक रहे हैं. वो क्या कह रहे हैं कि एजुकेशन इज ए नेचुरल हारमोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ मैन्स इननेट पावर्स, यानी कि सब लोग कहीं ना कहीं मनुष्य के, बालक के मन के अंदर निहित अंतर्निहित जो शक्तियां हैं उनके विकास की बात कर रहे हैं, कि एजुकेशन इज ए नेचुरल हारमोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ मैन्स इननेट पावर्स, यानी कि शिक्षा क्या है, एक प्राकृतिक सामंजस्यपूर्ण और उन्नतिपूर्ण तरीके से मनुष्य के अंदर अंतर्निहित शक्तियों का विकास करने वाली क्षमता है, या जो ये काम करे वही शिक्षा है, ठीक. फिर डीवी को देखिए, डीवी हम लोग, जॉन डीवी, इनको हम लोग को बहुत आगे पढ़ना है, जब तक आप पढ़ते रहेंगे एमए तक एजुकेशन में आपको डीवी साहब को जानते रहना है.
इन्होंने एक तरीके से क्या किया कि जो सामाजिकरण था या जो सामाजिक पक्ष था शिक्षा का, जो अभी तक छूटा हुआ था, प्लेटो, एरिस्टोटल और पेस्टोरोजी, उन्होंने इसका इनकल्केशन, उसको इंक्लूड कर दिया शिक्षा में। ये कह रहे हैं कि शिक्षा चूंकि एक सामाजिक प्रक्रिया है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि शिक्षा जो है अनुभवों के पुनर्गठन की प्रक्रिया है। एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस, इट इज अ सोशल प्रोसेस। ओके, अनुभवों के पुनर्गठन का मतलब कि अनुभव हमारे रोज बनते हैं, रोज बिगड़ते हैं ना। हम जैसे किसी के विषय में कुछ अच्छा सोचते हैं, फिर हमारा कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हो जाता है कि हमें लगता है नहीं नहीं हमारी सोच गलत ही है, आदमी गलत है। तो हम रोज हमारे अनुभव किसी भी के विषय में बदल रहे हैं, बन रहे हैं, टूट रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। इन्हीं के पुनर्गठन, गठन और पुनर्गठन की प्रक्रिया शिक्षा है, और शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, ये डीबी साहब कह रहे हैं। फिर कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन इज डिफाइंड बाय इंडियन एजुकेशनिस्ट। अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसको देखना शुरू करें तो जैसे हमारे यहाँ बहुत से विचारक हुए हैं, विवेकानंद, गांधी जी, टैगोर, अरविंदो, बहुत सारे लोग, तो उसमें से कुछ को लिया है मैंने। जैसे विवेकानंद क्या कहते हैं, विवेकानंद जी क्या कहते हैं, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन मैन। यानी कि शिक्षा मनुष्य के अंदर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, यानी कि जो पहले से विद्यमान है, क्या डिवाइन परफेक्शन, यानी कि आध्यात्मिक जो परफेक्शन हमारे अंदर पहले से विद्यमान है, उसके प्रकटीकरण की प्रक्रिया है, यानी उसको बाहर निकालती है। उसका शिक्षा का काम क्या है कि हमारे आपके अंदर जो डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, उसको बाहर निकाल कर लाए। तो आप एक बार ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि जो पश्चिमी परिप्रेक्ष्य है और जो भारतीय परिप्रेक्ष्य है, वो कहीं ना कहीं आके ये स्पिरिचुअलिज्म पर डिफर करता है, अंतर आ जाता है। यानी कि जो भारतीय विचार आके वो स्पिरिचुअलिज्म पर ज्यादा बल देते हैं। ठीक, अच्छा, फिर गांधी जी क्या कह रहे हैं कि बाई एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्रॉइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन द चाइल्ड एंड मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। अच्छा, एक बात और आपको ध्यान देनी चाहिए कि सबका काल आपको ध्यान देना चाहिए, सबका समय, कि जिस जिस समय इन्होंने ये डेफिनेशन दी, उस वक्त का समय क्या रहा होगा। तो चूंकि ये वो समय है जब भारत आजाद नहीं है, गुलाम है, राष्ट्रीयता की लहर है, तो ये सारी चीजें शिक्षा की डेफिनेशन में भी आपको चिन्हित तो होंगी। ठीक है, आपको ये ध्यान देना चाहिए कि वो आदमी कब ये बात कह रहा है। तो उस वक्त जब हम स्वतंत्र नहीं है, जब हम गुलाम है, जब हमारे हर चीज पर पहरा, बेड़ियां लगी हुई है, तो ये बात की जा रही है कि एजुकेशन क्या है। आई मीन एन ऑल रॉन्ग ड्रॉइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। यानी कि बालक और व्यक्ति का के अंदर से कहां कहां से, बॉडी यानी उसका शरीर, माइंड यानी उसका मन, और स्पिरिट यानी उसकी आत्मा का जो बेस्ट है वो बाहर निकल कर आए, वही शिक्षा है, ये गांधी जी कह रहे हैं, है ना। देखिए, मैं जल्द, मतलब कि एक एक डेफिनेशन को भी एक एक लेक्चर में समझाया जा सकता है, इतनी मतलब भारी शब्दों का इसमें इस्तेमाल है और इतने अर्थपूर्ण शब्द हैं, है ना। तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। फिर श्री अरविंदो क्या कह रहे हैं कि एजुकेशन विच विल ऑफर द टूल्स वेयर बाय वन कैन लिव फॉर द डिवाइन, फॉर द कंट्री, फॉर वन सेल्फ एंड फॉर अदर्स, एंड दिस मस्ट बी द आइडियल ऑफ एवरी स्कूल विच कॉल्स इटसेल्फ नेशनल। यानी कि अरविंदो कह रहे हैं कि एजुकेशन जो है, शिक्षा है, वो टूल यानी वो उपकरण ऑफर करेगा, विच विल, है ना, क्या ऑफर करेगा, उससे क्या हो जाएगा, जिससे कि एक वन कैन, कोई भी आदमी जी सकता है, किसके लिए, डिवाइन यानी कि जो सब सर्वोच्च है, सर्वोत्कृष्ट है, उसके लिए, फॉर द कंट्री अपने देश के लिए, फॉर वन सेल्फ अपने लिए, एंड फॉर अदर्स और दूसरों के लिए, एंड दिस मस्ट बी द आइडियल ऑफ एवरी स्कूल विच कॉल्स इटसेल्फ नेशनल। और ये उस प्रत्येक विद्यालय का आदर्श होना चाहिए जो अपने आप को राष्ट्रीय कहलाना चाहता है। देखिए, इस राष्ट्रीयता की झलक मिल गई ना आपको। ठीक, फिर रविंद्रनाथ टैगोर जी को भी देख ली। रविंद्रनाथ टैगोर क्या कह रहे हैं कि एजुकेशन इनेबल्स द माइंड टू फाइंड आउट द अल्टीमेट ट्रूथ विच गिव्स अस द वेल्थ ऑफ इनर लाइट एंड लव एंड गिव्स सिग्निफिकेंस टू लाइफ। यानी कि शिक्षा हमको योग्य बनाती है, हमारे मन को योग्य बनाती है, किसके, टू फाइंड आउट द अल्टीमेट ट्रूथ, जो अंतिम सत्य है उसको जान पाए, हमको इस योग्य बनाती है, विच गिव्स अस द वेल्थ ऑफ इनर लाइट एंड लव, जो हमारा आंतरिक ज्ञान और आंतरिक प्रकाश, आंतरिक प्रेम है, उसकी हमको दौलत से रूबरू कराती है, एंड गिव सिग्निफिकेंस टू लाइफ, और हमारे जो हमारी जो हमारा जो जीवन है उसको एक सिग्निफिकेंस यानी उसको एक महत्व प्रदान करती है। तो कितनी बड़ी डेफिनेशन है ये। देखिए, इसमें भी डिविनिटी की बात की गई है, अल्टीमेट ट्रूथ की जब हम बात करते हैं तो हम ईश्वर की बात करते हैं, आध्यात्म की बात करते हैं, सर्वोच्च शक्ति की बात करते हैं। ठीक, अच्छा, तो ये सारी डेफिनेशन से आपको एक हिंट, एक व्यू आपके सामने प्रकट हो गया है कि शिक्षा क्या है। अब आप जब भी अगर एजुकेशन को डिफाइन कर रहे हैं अपने आंसर में, तो जरूर उसके अगर आप दो चार डेफिनेशन इसमें से जो भी आप याद कर पाएं, उसके बाद अपना
सत्व जरूर लिखेंगे कि आप इन डेफिनेशन से क्या समझे या कि शिक्षा के क्या प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक या विशेषताएं इससे निकल कर आती हैं। ठीक, फिर नेचर ऑफ एजुकेशन क्या है, एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। नेचर ऑफ एजुकेशन में क्या पढ़ना है कि शिक्षा की प्रक्रिया क्या है। देखिए हम लोग क्या कहते हैं कि शिक्षा जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि आप स्कूल में गए, कॉलेज में गए, कॉलेज लाइफ आपकी खत्म हो रही है, इसका मतलब ये मतलब नहीं है कि आप शिक्षा आपकी खत्म हो गई या अब आप शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते। क्यों? क्योंकि शिक्षा हम हर माध्यम से सीखते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है ना फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, यानी कि फॉर्मल एजुकेशन आपकी एक निश्चित समय पर खत्म हो जाती है, पर इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन आपकी जीवन पर्यंत चलती रहती है। इसके अलावा जब डीबीजी कह रहे हैं कि शिक्षा अनुभवों का पुनर्गठन है, तो अनुभव हमको जीवन पर्यंत मिलते रहेंगे, मृत्यु के दिन तक मिलते रहेंगे, तो उस दिन तक हमारी शिक्षा चलती रहेगी, इसीलिए इसको लाइफ लॉन्ग प्रोसेस कहा गया। फिर एजुकेशन इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, ये एक सतत कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सतत है। सिस्टमैटिक का मतलब सिलसिलेवार तरीके से चल रही है, यानी कि सिस्टम है, हैपजर्ड नहीं है कि कहीं यहाँ कहीं वहां, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट पढ़ेंगे फिर टेंथ क्लास पढ़ लेंगे फिर जाएंगे एमएससी कराएंगे फिर बीच में ट्वेल्थ करेंगे मन करेगा तो, नहीं ना, हम एक सीरियल वाइज चलते हैं, एक चरण के बाद दूसरा चरण, प्राइमरी स्कूलिंग करते हैं, फिर सेकेंडरी स्कूल का हम पास करते हैं एग्जामिनेशन, तब हाई स्कूल में हायर एग्जामिनेशन में जाते हैं ना, तो ये एक सिस्टम है जिसको फॉलो करना पड़ता है। फिर एजुकेशन इज अ डायनेमिक प्रोसेस, यानी कि शिक्षा जो है वो गतिशील प्रक्रिया है। गतिशील का मतलब कि सतत है ना, चल रही है ना, अनवरत है, ये कहीं रुकी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम हर तरीके से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, सबसे हमारा इंटरेक्शन हो रहा है, इसलिए ये क्या है, डायनेमिक है। फिर एजुकेशन इज ए बाइपोलर प्रोसेस, इसको जॉन एडम्स का ये कथन है कि एजुकेशन यानी शिक्षा जो है वो द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। द्विध्रुवीय का मतलब कि दो ध्रुव हैं, एक शिक्षक और एक विद्यार्थी, और दोनों ध्रुव आपस में इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि हम सिर्फ वन वे नहीं है, इसको हम ये भी कह सकते हैं एजुकेशन इज ए टू वे प्रोसेस या बाइपोलर प्रोसेस, कि शिक्षक जो है वो विद्यार्थी को पढ़ा रहा है, विद्यार्थी से भी कई चीजें हम सीख सकते हैं, तो ये टू पोल्स हैं इसके और बाइपोलर है। फिर जब डीवी इसमें सोसाइटी का इनपुट डाल देते हैं, तो यही थ्री डायमेंशनल या त्रिध्रुवीय या ट्राइपोलर प्रोसेस हो जाती है। एजुकेशन इज थ्री डायमेंशनल प्रोसेस जब हम कह रहे हैं, तो हम उसमें शिक्षा को एक त्रिकोण के रूप में ले रहे हैं, जिसके एक बिंदु पर शिक्षक है, दूसरे पर शिक्षार्थी है, और तीसरे पर करिकुलम है, यानी कि पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम हमेशा किससे डिफाइन होगा, सोसाइटी से, तो सोसाइटी का इसमें इनपुट आ गया। फिर एजुकेशन इज डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड दी सोसाइटी, जो शिक्षा है वो व्यक्ति का भी विकास है और समाज का भी विकास है, यानी कि हमको व्यक्तिगत उद्देश्यों को भी ध्यान में रखना है और सामाजिक उद्देश्यों को भी ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं हो कर सकती है शिक्षा कि व्यक्ति का विकास करे और समाज को पीछे छोड़ जाए, या समाज का तो विकास हो रहा है और व्यक्ति की उन्नति नहीं हो रही है, वो भी शिक्षा का पर्पज नहीं है। फिर बात आ गई एजुकेशन इज क्या है, पर्पजिव, क्यों, क्योंकि बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम शिक्षा देने और ग्रहण करने का काम कर रहे हैं ना, इसलिए ये सोद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है। एजुकेशन इज कंटिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस, जो शिक्षा है वो अनुभवों का सतत पुनर्गठन है ना, तो अनुभव हमारे बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, संवर रहे हैं, और हर अनुभव के गठन और पुनर्गठन में हम कुछ शिक्षित हो रहे हैं, कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। फिर एजुकेशन एजुकेशन हेल्प्स इन एडजस्टमेंट, यानी कि जो शिक्षा है वो सामंजस्य में सहायता प्रदान करती है। फिर एजुकेशन इज ग्रोथ, शिक्षा जो है वो क्या है, वृद्धि प्रदान करती है, या शिक्षा जो है वृद्धि ही है, यानी कि अगर हमारी वृद्धि रुक गई इसका मतलब हम शिक्षित नहीं हो रहे हैं। और लास्ट में हमको बात करनी है स्कोप ऑफ एजुकेशन। स्कोप ऑफ एजुकेशन में देखिए कि शिक्षा का क्षेत्र क्या है, कहाँ कहाँ से शिक्षा जुड़ी हुई है, तो बहुत बहुत जगह से जुड़ी हुई है, उसमें से केवल मैंने 7 पॉइंट्स लिए हैं जो खास हैं। सबसे पहली बात क्या, एजुकेशनल फिलॉसफी। जब हम दर्शन की बात करते हैं, फिलॉसफी एक अलग डिसिप्लिन है, लेकिन एजुकेशनल फिलॉसफी क्या है, जब हम फिलॉसफी के गुण दोषों को लेकर शिक्षा में सुधार करना चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में उसको अप्लाई करना चाहते हैं, तो वह एजुकेशनल फिलॉसफी बन जाता है। या आप इसको इस तरह से समझ लीजिए कि फिलॉसफी ही है जो ये डिफाइन करती है कि एजुकेशन का क्या एम होना चाहिए, है ना। क्या एक इंडियन फिलॉसफी है, जब आप पुराने समय से देखना चाहेंगे तो वो बताती थी कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, मुक्ति, सेल्वेशन, है ना, निर्वाण। फिर कैसे कैसे फिलॉसफी बदलती गई, वैसे वैसे एजुकेशन के एम्स भी बदलते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट स्कोप है उसका, वो एजुकेशनल साइकोलॉजी में। साइकोलॉजी एक अलग डिसिप्लिन है, साइकोलॉजी में मन पढ़ा जाता है, मन का विज्ञान है, मनोविज्ञान है, लेकिन मनोविज्ञान के सिद्धांतों को जब हम शिक्षा के क्षेत्र में अप्लाई करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाना चाहते हैं, कि कैसे हम स्टूडेंट को बेहतर समझ सकते हैं, कैसे स्टूडेंट की लर्निंग को सुधारा जा सकता है, उसकी लर्निंग स्टाइल और ये सारी बातें, इंडिविजुअल डिफरेंसेस कि हर व्यक्ति अलग है, हर बच्चा अलग है, उसके हिसाब से शिक्षा होनी चाहिए, तो साइकोलॉजी के ये प्रिंसिपल्स जब एजुकेशन में अप्लाई किए जाते हैं तो एजुकेशनल साइकोलॉजी बन जाता है। उसी तरह से
शिक्षा क्या है? सामाजिक प्रक्रिया है. तो सोशियोलॉजी का भी इनपुट एजुकेशन में है और एजुकेशन भी सोशल सोसाइटी को डिफाइन कर रही है, उस पर इफेक्ट डाल रही है अपना. तो ये जो पारस्परिक संबंध समाज और शिक्षा के बीच में है उसको हम शैक्षिक समाज शास्त्र या एजुकेशनल सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं. फिर हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, हिस्ट्री को देखिए आप, हिस्ट्री तो इतनी इतनी विशद है कि उसको हमने तीन भाग में बांटना पड़ा, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, और उसमें भी कई कई सब पार्ट्स हैं. तो एंशियंट टाइम से लेकर मॉडर्न टाइम तक एजुकेशन कैसे कैसे चेंज होती चली आई है, ये हम हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में पढ़ते हैं. जैसे कि गुरुकुल में शिक्षा प्रदान की जाती थी, फिर बौद्ध धर्म आया, फिर स्तूप बने, विहार बने, फिर उसमें क्या हुआ, फिर मुस्लिम काल आया तो कैसे शिक्षा बदली, फिर ब्रिटिश आ गए उन्होंने कैसे बदला, फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व की क्या स्थिति थी, फिर स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात जब हम आजाद हो गए तो हमने शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए क्या क्या किया. तो बहुत सारे कमीशंस, कमिटीज और इसमें हैं पढ़ने के लिए. बहुत बहुत बड़ा ये एक टॉपिक और एक डिसिप्लिन बन जाता है. फिर एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन. एडमिनिस्ट्रेशन हम जानते हैं प्रशासनिक प्रशासनिक चीजों से रिलेटेड है, लेकिन जब एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की शिक्षा में कैसे प्रशासनीकरण उसका होगा, उसका सुपरविजन कैसे किया जाएगा, कौन हेड होगा, प्रिंसिपल के क्या दायित्व होने चाहिए, टीचर का क्या होना चाहिए, बहुत बहुत कुछ इसमें भी आ जाता है ना, और एक विषय एक अलग बन जाता है और ये एजुकेशन का स्कोप भी है. फिर पॉपुलेशन एजुकेशन की, आपको पता है कि भारत की जनसंख्या हम लोग नंबर वन पर टॉप पर है या सेकेंड टू चाइना या वॉट एवर जो भी प्रेजेंट स्थिति चल रही हो. तो पॉपुलेशन एजुकेशन हमें ये सिखाती है कि जो शिक्षा है उसको हम कैसे इंक्लूड करके उसके उसको समझ के उसका प्रचार प्रसार करके जो हमारी बढ़ती हुई एकदम जनसंख्या विस्फोट है उस पर कैसे चेक लगा सकते हैं, कैसे नियंत्रण कर सकते हैं. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन है यानी कि पर्यावरणीय शिक्षा. आप जान रहे हैं कि पर्यावरण का क्षरण हो रहा है, इतना पॉल्यूशन हो रहा है, ओजोन लेवल क्षरण हो रहा है उसका, ओजोन जो हमारा छेद है वो बढ़ता चला जा रहा है, अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है और पॉलीथीन है और तमाम इश्यूज हैं इन्वायरमेंटल से रिलेटेड. तो हम एजुकेशन का इनपुट लेकर इन्वायरमेंट को अपने कैसे बचा सकते हैं, इसका कैसे अवेयरनेस, कैसे विस्तार, कैसे इसके लिए जागरूकता, कैसे इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, ये सारा कुछ इन्वायरमेंटल एजुकेशन में आ जाता है. ठीक है, तो हमने आपको समझाने की कोशिश की कि नेचर मीनिंग नेचर एंड स्कोप, यानी कि अर्थ, शिक्षा को आप कैसे समझेंगे, कैसे उत्पत्ति हुई है, उसकी प्रकृति क्या है और उसका विषय क्षेत्र क्या है. ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. इतना मुश्किल नहीं है, आसान है, बस एक समझने की बात होती है. समझ लीजिए तो ये चूंकि आपके बेसिक है, बिल्डिंग ब्लॉक है आपकी एजुकेशन के डिसिप्लिन का, तो ये समझ जाएंगे तो इसके ऊपर आप अपनी बिल्डिंग खड़ा कर सकते हैं. ठीक है, ओके.